हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका आज इकाई नंबर 13 माध्यमिका का हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो देख कर आएँ। और पिछला वीडियो क्या, आप सारे जितने भी, अगर आप नए हैं चैनल पे तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। ऐसे वीडियो डेली जाते हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी DLED के थर्ड सेम के, और कल ये यहाँ से टेट में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आप चलते, मतलब बेस ही होता है हर जगह, अगर बेस क्लियर है तो सब कुछ आप कर ले जाएंगे। वैसे जो यह चैप्टर है ना, 13 इकाई, वो आपका चाहे जिस पैटर्न का आप एग्ज़ाम दे रहे हों वहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर आपको सीखने की कला आती है तो सीख सकते हैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें दोस्तों, ठीक है ना। वरना नहीं तो DLED के लिए तो मोस्ट 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 सुटेबल होगा आपके लिए। आप इसे पढ़िए अच्छे से और इसका नोट्स भी प्रिपेयर करिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे प्रिंसी गुप्ता जी हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं दोस्तों, राहुल जी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नोट्स बनाकर अपना सेंड किए थे मुझे कि सर देखिए इस तरह हम आपका नोट्स बनाते हैं, है ना। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाएं, अपना प्रिपेयर करें, एग्जाम के टाइम बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। एक बार आप लोग हचक कर शेयर कर दीजिए। एक स्टूडेंट है दोस्तों, देखिए नाम नहीं याद आ रहा हमें, कोई है जो कोई, देखिए नाम बहुत अच्छा नाम है, क्लियर देखिए याद नहीं आ रहा है। उस बच्ची का नाम हम बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, फ्रेंड है देखिए। अच्छा देखिए, बहुत हमारी लालसा थी कि हम उसका नाम बोले यहाँ पे, दूसरे वीडियो में बोल देंगे। अच्छा आप थोड़ा सा देखना, और हम वो बच्ची ये बोली दोस्तों कि हम 5 से 6 लोग को, मतलब कि 5 से 6 क्या, 10, 5 से 6, 7, 8, मतलब जितने लोग को वो एक दिन में सब्सक्राइब करवा रही है चैनल, ऐसे बोली हमसे। और कर भी रही है, हमने चेक किया तो ऐसा काम हो रहा है चैनल पे, हम देख रहे थे, मतलब एक टाइम ऐसे हो रहे हैं बच्चे। आप तो वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप आएंगे, आप लोग की दया रहेगी तो ये चैनल बहुत ऊपर जाएगा। आप लोग बस अपना प्यार इस तरह बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस बच्चे से बोल देते हैं बेटा आप टेट की क्लास की मांग कर रही हो, स्टार्ट हो जाएगा टेट की क्लास, बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि अभी बच्चे मतलब उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं। अभी देख रहे हो आप ना, 300 जो व्यूज़ होते हैं वही आने में बहुत ही हम लोग को मेहनत लग जाता है लाने में दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग का हम लोग सब कुछ मतलब पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हैं दोस्तों। बस आप लोग एक काम किया करिए, शेयर किया करिए और आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो फिर मार पड़ जाएगी भैया। चलिए तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आंकड़ों का माध्यमादिका। अगर आप लोग इसका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग देख कर आएँ। हमने उसमें माध्य निकालना, माध्यिका, बहुलक, वेरियंस यानी कि विचलन और मानक विचलन, ये सारी चीज़ें पढ़े दोस्तों। एक चीज़ आपको बता देते हैं, रेंज क्या होता है। इसके बाद आज के अभ्यास के प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपके बुक से सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अच्छे तरीके से धमाकेदार तरीके से करते रहिए, ठीक है ना। चलिए वेरियंस, वेरियंस नहीं, रेंज मतलब परास जिसे बोलते हैं, रेंज क्या होता है, इससे इस चैप्टर में आ जाता है आपके। रेंज यानी कि परास, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 20, 25, 30, 40, 40, 60, ये नंबर ले लिए। इस नंबर में दोस्तों हम आपसे बोले कि आप रेंज निकालिए, परास निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो रहता है ना उसको ले लेते हैं और जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको ले लेते हैं। उन दोनों का डिफरेंस ही होता है रेंज, जिसे हम परास बोलते हैं। 60 माइनस 20, ये आपका जो 40 आएगा ना, यह रेंज होता है। कभी काल के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों कि जो 20 है ना, 20 का जो रिपीट हुआ है कितनी बार ये बता दीजिए, या फिर बहुलक, बहुलक समझ लीजिए एक क्वेश्चन था हमारे दिमाग में, देखिए स्किप कर गया, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से बनते हैं अच्छे क्वेश्चन। चलिए हम आएगा तो आगे बता देंगे आपको, आप करते रहिए। आज के अभ्यास के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आप लोग देखते रहिए और अपना कलम पेन जो भी आप जिससे भी लिखते हो भाई अपना ले होकर बैठे, आराम से करते चलें साथ साथ। चलिए जो बच्चे नहीं देख पाते वो बाद में देखेंगे अपना। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, अगर हम आपसे बोलें 8 से, पहला क्वेश्चन है आपके अभ्यास का ही है दोस्तों, 8 से 17 तक, मतलब 8 to 17, 8 to 17 आपको नेचुरल नंबर जितने हैं उसके समांतर माध्य बताने हैं, यानी कि मीन बताना है, मीन मीडियन नहीं, मीन बताना है 8 से 17 तक के प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या पता है आपको ना, जो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है ना। 8 से 17 तक के लिख लीजिए यहाँ पे, तक के प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य,
का समांतर माध्य। देखिए हम इसको आपको तीन तरह से बताएंगे बेटा, कैसे आप अपने एग्जाम में करोगे टीएलएड वाले, कैसे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में करोगे, सब बताने वाले। देखिए अगर आपसे 8 से 17 तक आ जाता है कि आप माध्य बताइए, समांतर माध्य, माध्यिका नहीं पूछा है, पहले यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ बच्चे माध्य और माध्यिका में कन्फ्यूज जाते हैं, मीन चीज मीन अलग है और मीडियन अलग है, है ना। कभी काल के आ जाता है बाय द वे, अगर आपका लक है तो दोनों का आंसर सेम आ जाता है, लेकिन यह मत सोचिएगा कि मीन और मीडियन सब सेम है, सब अलग अलग है दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 से 17 तक की बात किया है, तो अब एक काम करेंगे 8 से 17 तक पहले लिख लीजिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब आपको लिखना भी नहीं है दोस्तों, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट वगैरह का, सुपर टेट का, सीटेट का, ये सब सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं भी मैथ आता है वहाँ की तैयारी कर रहे हैं और ये चैप्टर आता है आपके एग्जाम में, तो मान के चलिए देखिए लिखना भी नहीं है आपको, आप देखते ही आंसर बताएंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखेंगे आप तक की बात किया है कि बीच की बात किया है, अगर तक की बात किया रहेगा तो 17 तक आपको देखना है, अगर यहाँ पे लिखेगा 8 से 17 के बीच तो 17 को छोड़ देना है हमें, मतलब कि 8 से 16 तक आपको चेक करना है ना, ये बात आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर बीच की बात करेगा तो 17 छोड़ेंगे, उसके अंदर की एक अंदर की बात करेंगे जहाँ तक वो बात करेगा, अगर वह तक लगा देगा मतलब कि पूरा जो पहला से लेकर लास्ट तक की बात कर रहा है ना। चलिए तो 8 से 17 तक की प्राकृतिक संख्या का हमको समांतर माध्य बताना है, तो इस तरह आप लिखेंगे नहीं अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लिखना नहीं आपको, पहला नंबर लेना है और लास्ट वाला नंबर पकड़ लेना है, ठीक है ना। 8 प्लस 17 करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बस यही तो हो जाता है आपका समांतर माध्य। 8 प्लस 17 मतलब कि 17 × 3 = 20, 20 × 5 = 25, 25 / 2 यानी कि 12.5 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12.5 होगा। अब देखिए अगर यह भी प्रोसेस आप भूल जाते हैं तो इस तरह लिखना तो जानते हैं, या 8 से 17 तक बोल दिया तो अब 8 से 17 तक तो आप लिख सकते हैं, तो आप इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, यानी कि 5 उधर 5 इधर आने वाले हैं लेफ्ट और राइट, तो 5 इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 12 और 13 दोनों बीच में आ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है, 12 और 13 के बिल्कुल बीच में क्या आता है, तो बोलेंगे 12.5 ही तो आता है। कोई बच्चा बोलेगा भैया 12.4 भी तो आता है, हम कहेंगे गधा हो क्या, गधा हो ना आप, गधा हो गधा, हमने क्या बोला कि बीच में, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। बीच का मतलब यह होता है कि बीच में होता है, बीच में कोई चीज़ डंडी को तोड़ना हो तो बीचों बीच से जब बोलेंगे तोड़ने के लिए आपको, हम कहेंगे इसको बीच से तोड़ो, इस डंडे को हम बोलेंगे बीच से तोड़िए आप, तो आप क्या यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ेंगे आप, बिल्कुल बीच से तोड़ोगे ना, सेंस तो इतना है ना। तो 12 और 13 के बीच में क्या आता है, 12.5 आता है, आप बोल देंगे 12.5 राइट होगा। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, हाँ सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद आप जितने नंबर ऑफ वैल्यू हैं उससे डिवाइड कर दोगे, बस यही हो जाएगा आंसर आपका। देखिए कैसे, देख लीजिए 125 आएगा साथ जोड़ने पे ना, कितना आने वाला है देख लीजिए एक बार, देखिए 17 और 3 20 20 20 और 10 30, इसका काम खत्म हुआ, 30 हो गया, 30 10 40 40 10 50 10 60 हो गया, 60 10 70 70 70 5 75 75 और 75 10 85, 85 2 87 88, 88 10 98 98 10 98 10, कितना हो गया 98 10 108 हो गया ना, 108 हो गया, 108 और 9 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 1 10 7 17, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार, 17 एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 17 इसको हम ले लिए, 17 और 13 को ले लिए, 17 3 20 20 10 30 हो गया, फिर उसके बाद इसको 16 को लिए, 14 को लिए, 20 10 30 10 40 10 50 हो गया, 50 के बाद 10 60 10 70 और यहाँ पे 5 बचा है, 75 75 2 77 77 और 10, 77 10 87 87 1 88, 88 हो गया, 88 10 98 98 और 9 1 10 7 9 1 10 7, कितना हो गया 9 1 10 7 17, 98 में 17 ऐड कर दीजिए, तो 8 7 7 14 15 5 हाथ में 1 9 1 10 1 9 1 10 11 1 12, आ गया आपका कितना 125। अब 125 को आप क्या करेंगे बेटा, 125 को कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर भी वही आपका आंसर आएगा 12.5,
देखिए 12.5 आ गया ना, तो इस तरह आप पता कर लेंगे कि 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं 9 मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो क्रमागत भी संख्या है। आपको अगर निकालना है डीएलएड में तो इस तरह निकालेंगे ऐड करके, अगर आपको किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में निकालना है तो बता दिया गया कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके सामने हमने दिया आपको करने के लिए, और ये बिल्कुल मत समझिएगा आप लोग कि सर टॉपिक्स और नहीं कराएंगे और या फिर क्लासेस और स्टार्ट नहीं होंगे, सारे क्लासेस स्टार्ट होंगे, आपके एग्जाम से पहले फिनिश भी हो जाएंगे। आप लोग बस ज़्यादा की संख्या में जुड़िए, यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट होती है, और मेहनत तो कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना है प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम पाँच समप्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य। फटाफट आप लोग निकालिए इसे। चलिए निकालिए, जितने बच्चे हैं सब लोग निकालेंगे और सबका आंसर आना चाहिए। प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य। अब ऐसा मत सोचा करिए, कमेंट नहीं देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी हो, कुछ भी लिखते चले जाएं। कुछ बच्चे हैं देखते हैं, कमेंटबाजी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन जेन्युइन हो, अगर आपस से बातें हो, किसी को बस बुरा नहीं लगना चाहिए। आप ऐसे कमेंट करें, किसी को गंदा मतलब शब्द ना यूज करें, क्योंकि आप लोग एक तरह से भारत के मतलब नागरिक हैं दोस्तों ना, और सभी लोग यहाँ पे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, आपके कलीग ही हैं, कोई भी गंदा चीज़ नहीं, सभी लोग भाई बहन हैं। आराम से आप लोग पढ़ते चलिए, मजा लेते चलिए। प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य। अब प्रथम 5 की बात किया है सम की, तो 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। अब आपको प्रथम 5 की बात किया है तो इसको काटिए, 6 आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन कब, जब आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा तब। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करिए 10 8 18 18 18 2 20 20 10 30 30, पूरा टोटल संख्या हो गया, सबका एडिशन 30 हो गया। ऐड करके आपको दिखाना भी होगा डीएलएड में, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यहाँ पे लिखना होगा कितनी संख्या आ गई सबका एडिशन बटे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 6, ठीक है, 30 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 30 अपन 6 कर देंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा दोस्तों 56 30, 5 है, एक मिनट, 5 संख्या है ना बेटा, 5 संख्या है ना, 5 है, 5 है, वही तो सोचें क्यों 5 आ रहा है, 5 6 30, 6 आ गया, 6 आ गया। इस तरह आपने क्रॉस चेक भी कर लेना है आपको अपने से, ठीक है ना, 6 आपका आ गया समांतर माध्य, इस तरह आपको लगाना है दोस्तों। अब आपको कोई भी प्रथम संख्या बोले, प्रथम 5 विषम संख्या बोले, है ना, तो कुछ भी आपको बोले आप लगा सकते हो आसानी से। चलिए अब अगर आपको बोल दे कि जो विषम संख्याओं, अगर प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, मतलब कि समांतर माध्य, प्रथम 5 समांतर माध्य का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत से आने वाली क्रमागत संख्याएं, प्रथम 5 सम वो भी हो, उनका जो समांतर माध्य आएगा वो विषम आएगा कि सम आएगा, तो आपको बोलना है सम भी आ सकता है विषम भी आ सकता है। देखिए कैसे, अगर हम बोलें 2 4 6 8 10 का, तो आपके सामने इसका समांतर माध्य आया था कितना, 6 आया था ना, 5 36 6 आया था। अगर यहीं भी बोल दें बेटा हम कि आप ले लीजिए 2 4 6 8 10 12, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लीजिए वो भी सम, तो 12, देखिए 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42, 42 / 6 कर देंगे तो 7 आ गया, 6 7 42। अब देखिए यह विषम है या सम है, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि अगर सम प्राकृतिक संख्याएं के क्रम से आ रही हैं तो उसका समांतर माध्य भी सम आएगा हमेशा, और यह भी नहीं सोचना है कि हमेशा विषम आएगा, मतलब दोनों आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सम आएगा कि विषम आएगा या फिर दोनों आ सकता है, तो आप हमेशा यही टिक करेंगे कि दोनों आ सकता है ना। अगर कभी विषम संख्याएं हो जाती इसी के प्लेस पे, जैसे 1 2 3 4, मतलब ये क्रमागत हो गई, विषम संख्याएं की बात कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 और 11 ले लेते हैं, ठीक है, यह विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं। अगर इनका बोला जाए समांतर माध्य बताइए दोस्तों, तो इधर से काटिए, यही दोनों के बीच में होगा, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका समांतर माध्य। लेकिन अगर यहीं पे हम 13 एक और बढ़ा देते हैं, 13 13, तो देखिए इसको इधर 3 से उड़ा देंगे, 3 इधर उड़ा देंगे, तो 6 भी आया था सम, अब इस बार विषम आ गया, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि सम हो या फिर विषम हो, कोई भी श्रेणी सम हो या फिर विषम हो, अगर क्रमागत है तो उसका दोनों चांस बनेगा, वह समांतर माध्य उसका सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है ना, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी आपको श्रेणी दे दे क्रम से आने वाले, या फिर सम संख्याओं का या फिर विषम संख्याओं का, तो
तो यह फिक्स नहीं है कि उसका समांतर माध्य सम ही आएगा या फिर विषम ही आएगा। आपको अगर हाँ या ना में आंसर आता है देने के लिए तो आप हमेशा ना देंगे, क्योंकि सम का अगर श्रेणी समांतर माध्य सम श्रेणियाँ हैं, मतलब सम प्राकृतिक संख्या का श्रेणी है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो उसका जो समांतर माध्य होगा वो सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है। इसी तरह सेम सिचुएशन विषम के लिए भी है। अगर वह समांतर माध्य में अगर हमको निकालने के लिए दे दिया, समांतर माध्य निकालिए क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो वह सम में भी आ सकता है, विषम में भी आ सकता है, जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे। अगर हम बोले यदि 2, 3 और 1 का समांतर माध्य कितना है, ले लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। तो चलिए अगर हम बोले दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपसे, एक श्रेणी है, कोई क्रमागत एक श्रेणी है ना, यदि 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 आपका 2, 3 और A दिया हुआ है, और ए का समांतर माध्य, आपको दे दिया है 3, तो बताइए ए की वैल्यू, तो ए का वैल्यू बता दीजिए। तो आप इसमें कैसे लगाएंगे, आपको पता है एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, तीसरी संख्या ए है, यही तो। अब आपको पता करना है कि समांतर माध्य, देखिए अगर आपके किसी एग्जाम में आता है, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो समांतर माध्य जब 3 दिया है, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। 3 से आपको पता है जो ऊपर आता है वो एडिशन आता है, और नीचे आता है नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, यही आता है बराबर समांतर माध्य यहाँ पे हमको आ जाता है, है ना। तो समांतर माध्य हमको जब दिया है 3 बेटा, और आपको पता है कि नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 3 है, समांतर माध्य भी 3 है, नंबर ऑफ वैल्यू भी 3 है, तो इस तरह आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे कर लेंगे 3 × 9, 3 वैल्यू है, जब ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, मतलब 9 इस वजह से आ गया कि इन तीनों संख्या को जब ऐड करें ना ऊपर, तो इसी का इक्वल हो जाएगा 9। तो 2, 3 दिया है, 5 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 4, यानी कि ए की वैल्यू 4 आ जाने वाली है। इस तरह आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डीएलएड में ऐसा नहीं करना है, आपको सबको ऐड करना है। ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3, 3 संख्या है तो 3 करेंगे, बराबर समांतर माध्य जो दिया है आपको 3 दिया है, बस कर दीजिए 2, 3, 5, मतलब 5 + A बराबर 3 × 9, ठीक है ना। अब 5 को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, इस तरह लगाना है आपको, ठीक है, तब जाके एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। -1 से 5 तक की संख्या का समांतर माध्य बताना है, -1 से 5 तक की, आप बिल्कुल ना घबराएं, पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे, पूरा जितना आपके अभ्यास में है। -1 से 5 तक की संख्या का समांतर माध्य, बस आप लोग एक काम किया करिए, सर की बात माना करिए, है ना, थोड़ी सी दया तो आती ही होगी ना सर, इतने मेहनत करते हैं आपके लिए, चैनल आपके लिए मेहनत करती है, आपके लिए ही बनाया गया है, या आपका ही चैनल है, इसे आप अपना समझें। मान लीजिए आपके घर की खेती है, तो इस तरह आप यूज करें, इसको इतना शेयर करें, कि आपको मतलब कि लगने लगे, आप उसे संतुष्ट हो जाएं शेयर करके, कि हाँ हमने शेयर किया आज, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी जुड़े होंगे, सर खुश भी हुए होंगे, और सर का मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। इस तरह आप लोग कभी सोचते हैं, सोचा करिए। कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत प्यार करते हैं। देखिए -1 से 5 तक की संख्या का समांतर माध्य बताना है आपको, क्या बताना बेटा, समांतर माध्य बताना है, बस निकाल दीजिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा। -1 से 5 तक की बात किया है, तो आप देखिए हम डीएलएड के मेथड से चल रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे ना, तो हम स्टार्ट कर देंगे उसके लिए भी, आपके टेट सेट, टीसी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं, बता तो रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, मैथ को फोड़ के आएंगे, है ना। लेकिन आप एक काम करिए, बस ज़्यादा बच्चे जुड़वा दीजिए 10 दिन में, बता तो रहे हैं 10 दिन, 10 क्या मिनिमम अगर बोल देना दोस्तों, 8 या 9 दिन में पूरा मैथ बांच के रख देंगे, जो आपके सी टेट टेट आने वाला है सब बांच देंगे, खाली 1-1 घंटा पढ़ाएंगे रोज, बांच के रख देंगे पूरा। देखिए -1 से 5 तक की संख्या का समांतर माध्य बताना है आपको, तो -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है कि नहीं आता है ना, 0, ये इंटीजर की बात कर रहा है, अब यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, अब इंटीजर में 0 भी आता है, नंबर लाइन में आपको पता है राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके
निगेटिव नंबर होते हैं, बीच में जीरो हो जाता है, तो वही होता है इंटीजर। माइनस एक, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब आपको इसको भी काउंट करना है नंबर ऑफ वैल्यू में, कितने वैल्यू हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन है, सबको ऐड करिए। माइनस एक, एक तो कैंसिल हो गया, दो, तीन, दो, पाँच, पाँच, चार, नौ, नौ, पाँच, तेरह, यानी कि पाँच पाँच दस चार चौदह, नौ पाँच चौदह होता है, नौ पाँच तेरह नहीं, पाँच पाँच दस, दस चार चौदह, चौदह, इस सबको जोड़ दिए तो चौदह आ गया। नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन से डिवाइड कर दीजिए, सात दूनी चौदह, यह आ गया। अब अगर आपको देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक कर लीजिए, हमने जिस मेथड से बताया है। कितने नंबर हैं, सेवन नंबर हैं, सेवन नंबर हैं तो तीन इधर का छोड़िए, तीन इधर का छोड़िए, बीच में क्या बचा, दो, दो आपका आ गया कि नहीं, बताइए, दो आ गया ना, तो इस तरह निकालना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी कक्षा में, किसी कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक जो है वो दिया है 85, 75, 90, 64, 86 तथा 70, इतना दिया हुआ है, इतना प्राप्तांक दिया है किसी कक्षा के, या फिर कक्षा सिक्स के बच्चों का प्राप्तांक दिया है, इसका समांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, पहले ऐसे क्वेश्चन को देखना है, आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं, 85 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70, कर लीजिए डिवाइड, कर लीजिए डिवाइड, कर लेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं बस। अब इसे काट पीट लीजिए, देखिए यहाँ पे बचा 80, पहले हम 5 को छोड़ देते हैं, पहले पूर्णांक नंबर को जोड़ते हैं, जिसके आगे जीरो ले लें, सबके आगे जो 75 है 75 में 70 ले लेते हैं, 64 में 60 ले लेते हैं, इस तरह जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो बचा है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए 8, 8 और 7, 8 8 16 होता है, 8 7 15 हो गया, 15 5 20 4 24, 240 यहां से हो गया, 240 प्लस 60 300 हो गया, 240 प्लस 60 300, 300 के बाद 380, 380 यहां पे 6 यहां पे 4 इसको ले लीजिए, 380 प्लस पहले देखिए 8 मतलब 114, एक मिनट, 8 8 मतलब 15, 8 8 16 यहां पे 15 हो गया ना, 8 7 15, 8 3 8 2 10 5 15, 15 15 5 20, 20 चार 24, 24 छः 30, 30 आठ 38, 38, 38 और 7, 38 में अगर दो जोड़ेंगे तो 40 और 5 45, 450 हो गया, 450 में 10 जोड़ दीजिए 460, 460 में 10 जोड़ दीजिए 470, 470 बटे 6 आपका, इसको काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 642, 642, 42 5 47, 5 बचा 642, 6 अठे 48 बचा 2, तो 6 दूनी 12, छः दूनी 12, छत्रिक 18, छत्रिक 18, फिर दो छत्रिक 18, मतलब आपका आता चला जाएगा 78.33, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरह लगाना है आपको। चलिए उसको एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है अगर कटपिट में कहीं गलती हुआ हो, प्रोसेस आपको पता है, आप लगा लेंगे, पता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा सिक्स के 5 विद्यार्थियों का भार क्रमशः जो दिया हुआ है, कितना दिया है, 50 के बाद 38 के बाद 52, ये हमारे ही बच्चे हैं, मान लीजिए यह रोमा है, या आपके स्वाति जी हैं, या आपके प्रतीक्षा जी हैं, या आपके अनुराग जी हैं, या आपके यशवंत जी हैं, या फिर अजमेर जी हैं, ये सारे बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, या फिर रोहित जी हैं, कोई भी ले लीजिए, सारे बच्चे हैं। अब पर्टिकुलर किसी के नाम लेने से आप लोगों को लगता होगा सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो आप ऐसा ना सोचा करें, सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। अब इन सबको ऐड करिए, क्योंकि वो पूछा है भार का समांतर माध्य बताना है, तो सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, सबको ऐड करिए, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52, देखिए 50 30 80, 80 10 90, 90 40 130, 90 40 130, 130 यानी कि 170, 170 और 5 करेंगे, 170 और 5 यानी कि 220, 220 हो गया, 220 में 6 2 8 कर देंगे, 220 और 8 यानी कि 228, 228 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 3 8 4 12, 12 4, 12 4 16, 16 5, 16 5 21, 21 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 6 2 8 सही है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25, देखिए 5 चौके 20 दो बचा, दो हासिल गया, तो 5 पचे 25, 5 छक 30 यानी कि 45.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह लगाते हैं। अगर यही माध्यिका निकालना होता ना, तो पहले हम सीक्वेंस में लगाते हैं इसे, फिर उसके बाद अगर ऑड इवन वाला चल रहा है तब लगाएंगे उस तरह, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, चौथे नंबर, जो भी क्वेश्चन है नंबर आप डाल लीजिए यहाँ पे, है ना। यदि 3, 0, 5, 6 यानी कि 3 या फिर ले लीजिए 3, 5, 6 और ए का समांतर माध्य अगर आपको दिया है 5 तो ए की वैल्यू बता दीजिए। जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उसी तरह है, 3, 5, 6 और ए, ए का समांतर माध्य आपको दिया है 5, इसका मतलब इतने का नंबर का, चारों नंबर का समांतर माध्य, फाइव दिया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो बताइए आप ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी। अब कितने नंबर हमारे पास, 3 + 5 + 6 + a, अपन में 4, नंबर ऑफ वैल्यू 4 है, बराबर 5 आ रहा है, तो 5 × 20 और 5 × 6 = 9, 9 × 10 = 14, 14 + a बराबर 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, तो a की वैल्यू आप बता देंगे 6 आ जाएगा, है ना। इस तरह आपको लगाना है। अब लग रहा होगा अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, और एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग टाइम निकाल कर पिछला क्लास रिवीजन भी करते रहें, और मैम पढ़ा रही हैं आपका साइंस वगैरह भी आप देखते रहें, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सारे हमको सब में, अब ये बच्चा कोई नहीं सोचेगा कि हम मैथ में वीक हैं तो हम नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश में वीक है, कोई बच्चा था शायद, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, कोई बच्ची थी, कोई फ्रेंड ही है, वह इंग्लिश और मैथ दोनों में वीक बता रही थी अपने आप को, तो हम उससे बोले बेटा आप जो देखते हो आपको समझ में आता है, तो बोली हाँ सर समझ में तो आता है, जो हम देखते हैं जो आप बताते हैं वह समझ में आता है। हम बोले बस अब क्या करना है, इससे बाहर थोड़े पढ़ना है हमें, आसमान से कोई तोड़ के थोड़े लाएगा कि भैया आपके सिलेबस में है नहीं तो ये पढ़ लीजिए। अब जब सिलेबस में है वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप उसे जानते हैं, बस वही तो एग्जाम में आने वाला है, उसी को करना है, उड़ा देना है, पूरा फोड़ देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, किसी फैक्ट्री के 10 मजदूरों की प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो क्रमशः कितनी है, देखिए 70, 110 और 65 यानी कि 65, इसके बाद 80, नेक्स्ट देख लीजिए 75, 85, 80 और 76 और 94 और 100, इतना रुपया है दोस्तों। ये 10 मजदूर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मजदूर हैं, 10 मजदूरों का यह वेज है, वेज मतलब उनका कह लीजिए कि उनका वेजेस है, पर मंथ कर लीजिए, एक दिन का कर लीजिए, दो दिन का कर लीजिए, ठीक है ना, इनका वेजेस है, वह जो वेजेस है इस रूप में आपको दिया है, दसों का दसों। अब आपको बोला समांतर माध्य निकालिए, तो आप इसका आंसर हमें देंगे जो वीडियो खत्म हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, हमें पता है सारे बच्चे नहीं देते, सारे तो बहुत विद्वान हो चुके हैं ना पढ़ के, तो सारे क्यों देंगे, जो बच्चे विद्वान नहीं है, जो सीखने की जिनके अंदर ललक होती है ना वही सीखते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि आपको क ख ग घ आता है तो आप क ख ग घ नहीं पढ़ेंगे, बताइए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़िए उसको 2-3 बार। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक चीज़ पढ़ लिए तो आप विद्वान हो इतना कि आपको वो आजीवन के लिए याद रहेगा, बुरा मत मानिएगा हमारी बातों को, यही दोस्तों यही जो है ट्रुथ है आज के युवाओं का, कह लीजिए वह सोचते हैं एक बार पढ़ लिए और एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा ना सोचा करें आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, पढ़ते चलिए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के लिए आप 1 ही घंटा निकालें, लेकिन निकालें, रिवीजन मस्ट है। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों, हम बता रहे हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम भी आप ही जैसे हैं, क्योंकि हम भी आप ही जैसे हैं दोस्तों, इतना मान लें, हम भी जानते हैं उस चीज़ को, उससे पाला पड़ता है, मेरा भी अभी भी पाला पड़ता है, तो आप इसको माने, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ को आप कठोर नहीं बना सकते हैं, ठोस नहीं बना सकते, तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए। अब इसका आपको आंसर देना है, इसका समांतर माध्य आपको बताना है, वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप इसका आंसर देंगे दोस्तों, समांतर माध्य बताएंगे इसका, ठीक है ना। चलिए सब आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से अब धाकड़ आएगा, समांतर माध्य वाला, मतलब कि बारंबारता वाला, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन समांतर माध्य मतलब बारंबारता का, यहाँ पे पद दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया है, बारंबारता, अब आपको अगर याद होगा फार्मूला बारंबारता समांतर माध्य के लिए, माध्य वाला अगर फार्मूला याद होगा, समांतर माध्य अब कल वाला वीडियो देखें, वहाँ से आपका गट्टेट में चाहते हैं ना एक नंबर, एक दो नंबर पाना, तो समांतर माध्य का वीडियो देख के जाएं, एक दो नंबर फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य अगर आपको फार्मूला पता करना है तो समेशन मतलब हमने कल आपको बताया था क्या होता है, मतलब कि एक लंबी सीरीज सबका समेशन, सबका ऐड करना, यही होती है, जिसका मतलब कि कोई अंत ही ना हो ऐसी सीरीज, ठीक है ना। हो सकता है इसमें आपको अंत तो दिखेगा, इसमें आपका फर्स्ट भी दिखेगा, लास्ट भी दिखेगा, कहाँ तक अंत हुआ इसका, मतलब कहाँ तक चली है सीरीज, लेकिन समेशन का मतलब यही होता है दोस्तों, कितना भी नंबर आ जाए सबका ऐड कर दीजिए, इसी को हम दिए थे कल फार्मूला के रूप में आपको, FI XI अपान में समेशन ऑफ FI, मतलब यही बारंबारता है आपका है। अब यही है, अब इसमें रखना है वैल्यू, आपको निकालना है, देखिए यहाँ पे पद दिया है, यहाँ पे बारंबारता दिया है,
और यहाँ पे हमको निकालना है बेटा बारंबारता को, हम ले लिए क्या एफ आई, इसको ले लिए एक्स आई, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है ना। इस चीज़ को हमको निकालना है, आप लोग सहयोग करें। देखिए पहला जो दिया है पद आपका फाइव, आप लोग ज़्यादातर सहयोग करते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सहयोग करते हैं, ठीक है ना। फाइव फोर सेवन फाइव और एट, कल इसका बहुत टाइप बता दी थी, मतलब जो आपके सिलेबस में है और थोड़ा सा ऊपर जाकर भी बता दिए थे आपको एक्स्ट्रा, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। पिछला वाला दोनों वीडियो देख लीजिए आप, आठ और चार, इसके बाद बारह और तीन, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं चौदह और आठ, चौदह और आठ, इसके बाद लास्ट लास्ट देख लेते हैं आपको सोलह और छः, सोलह और छः, नीचे तक दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा होगा, मैंने अच्छे तरीके से दिख रहा होगा मैं बताएं, सोलह और छः, चौदह और आठ, बारह तीन, आठ और चार, सात पाँच, पाँच चार, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे योग, योग लिखेंगे और इसको एक बार योग करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, और इसका योग करके यहाँ पे लिखेंगे। अब जो यहाँ पे नंबर आता है वो नंबर पाँच गुड़े चार, मतलब यक्स आई यह है, यफ आई यह है, तो दोनों का गुड़ा, पाँच चौके बीस यहाँ पे आ गया, पाँच सत्तर पैंतीस यहाँ पे आ गया, आठ चौके बत्तीस यहाँ पे आ गया, बारह तेरह छत्तीस यहाँ पे आ गया, आठ मतलब चौदह बटे आठ, दह में अस्सी, आठ चौके बत्तीस यानी कि एक सौ बारह, एक सौ बारह यहाँ पे आ गया, देख लेते हैं आठ चौके बत्तीस, ठीक है। और सोलह छक्का, छः दह में साठ, छः चार का छत्तीस यानी कि छियानवे, सोलह छक्का छियानवे यहाँ पे आ गया। अब सबको जोड़ेंगे आप, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो देखिए तीस बीस पचास, पचास तीस अस्सी, अस्सी तीस एक सौ दस, एक सौ दस यहाँ पे सौ ले लेंगे, एक सौ दस, एक सौ दस कितना हो गया, दो सौ बीस हो गया, दो सौ बीस और नब्बे, दो सौ बीस और नब्बे कितना हो गया, दो सौ बीस और नब्बे, नब्बे यानी कि अस्सी रहता तो चार सौ हो जाता, तीन सौ हो जाता, दो सौ बीस प्लस नब्बे आपका हो गया तीन सौ दस, तीन सौ दस हो गया, तीन सौ दस, तीन सौ दस प्लस छः छः यहाँ पे देख लीजिए, छः छः बारह, तीन सौ दस आ चुका है, छः छः बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह पाँच इक्कीस, सोलह चार बीस एक इक्कीस, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, तीन सौ इकतीस, तीन सौ इकतीस आ गया जोड़ने से, एक बार अभी से फिर से जोड़ लेंगे, छः चार दस, दस आठ अट्ठारह, अट्ठारह दो बीस एक इक्कीस, इक्कीस पाँच छब्बीस, इक्कीस पाँच छब्बीस, छब्बीस चार तीस, तीस आ गया बेटा यहाँ पे ना। अब इसको आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला में रख लेंगे तो आप देखिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कहाँ आया है, तीन सौ इकतीस बटे तीस कर लीजिए, यहाँ पे आप पता है यह कटेगा नहीं पूरा, तो यानी कि तैंतीस दशमलव एक, तैंतीस दशमलव एक बटे तीन काट लीजिए, तीन से तीन से, तीन से तीन गया, यहाँ पे दशमलव जीरो, तीन त्रिका नौ, यह आ जाएगा मतलब ग्यारह दशमलव जीरो तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही है, बस इसका नंबर इरेज करना पड़ेगा, नंबर मिटाते हैं और सारे वैल्यू लिखे रहने देते हैं। चलिए आप लोग लिखते चलिए, आप लोग करते चलिए, साथ में कमेंट भी आना चाहिए सबका, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आप पद लिखा हुआ है आपका क्या, 52 और 42, इसके बाद 45, 40, 46 ये लिखा हुआ, इस बार कम है एक, ठीक एक और है 49 ले लीजिए, 49 ले लीजिए, है ना 49, इसको आप करके दिखाएंगे। ये अभी तीन क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन पिछला, एक क्वेश्चन ये आप करेंगे, ठीक है, करके हमको दिखाएंगे बेटा, ठीक है ना, करके मतलब दिखाएंगे क्या, कमेंट करेंगे जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो, कभी देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए जब मिलेंगे ना, पहले थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 52, अब यहाँ पे जो दिया है आपको 4 दिया है बारंबारता में, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, इसके बाद 10 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एक छूट रहा है क्या, नहीं दिया तो है, दो दो दिया है बेटा। अब यहाँ पे आपको करना है फिर से मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, सबका पता है, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई आ जाएगा, इसी तरह इसको जब ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई आएगा। अब आपको पता हो गया समांतर माध्य का फार्मूला, एक्स आई एफ आई बटे समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना, इसमें रख देंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, इसको हम करा देते हैं। स्केच बचा रहे हैं अपना, स्याही पैसे में आती है ना, तो बताना पड़ेगा भैया। बताइए स्याही बचा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग ना कितना कंजूस है हम ना, कंजूस नहीं दोस्तों, बहुत खर्चीले हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, पता है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत डांट भी सुनते हैं, मतलब सब कुछ बहुत ही
लिमिट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ नहीं करते हैं। चलिए यहाँ देखिए पद, पद कितने हैं बेटा 142, मतलब इतने पद हैं जो पद लिख लीजिए, बारंबारता लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, उसके बाद उसका समेशन निकाल के इसका समेशन निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना, यही तो होता है। फिर से एक क्वेश्चन लास्ट कर लीजिए आप, हम करा देते हैं 143, ये थोड़ा बड़ा था तो इस वजह से हमने आपको एक दे दिया, 144, 145, 146, तीनों का आंसर आना चाहिए बेटा। एक मिनट, तो वह क्वेश्चन आप करके दिखाओगे जो आपको दिए थे, इसको करते हैं हम, ठीक है। 52 है, ये दूसरा चीज़ है बेटा, हम 52, 42, गलत हो गया, क्या है यार क्वेश्चन, 142 लिखे बेटा, सही जा रहा था, हमने इरेज कर दिया उसे, 143, 144, इसके बाद 143 के बाद 144, 145, 146 क्रम से हैं ये, 146, उसके बाद 147 यहाँ तक लास्ट है, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए आप 3, 5, 3, 5, 7, 3, 5 मत करना भैया, 3, 5, 7, 7, 3, एक छूट रहा है क्या भैया, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, ठीक है ना, एक अगर छूट रहा है, अगर आपको लगेगा ना ये कम है क्वेश्चन तो आप एक बार बताएंगे, हम और एक वीडियो से बना देंगे। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए 300, देखिए 142 का 3 × 2 = 6, 3 × 12 = 2, हाथ में आया 3 × 12 = 2, हाथ में आया 1 × 3 = 3, 3 × 12 = 2, 3 × 3 = 4, ये आ गया। 5 क्या करिए, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 0, 5 × 3 = 15 = 5, हाथ में आया 1, 5 × 20 = 21, देखिए 5 × 3 = 15 = 5, हाथ में आया 1, कैरी 1 आ गया, 5 × 20 = 20, यानी कि 1 कितना 21 को 1, कैरी 2, 5 × 5 = 2 = 7 हो गया, 7 × 28 = 8 हो गया, कैरी 2, 7 × 28 = 2 = 30, कैरी 3 हो गया, 7 × 7 = 3 = 10 हो गया बेटा। इसके बाद 7 देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना भी बता दें, 7 में जब 1 में 100 में करेंगे आप तो 700 हो जाएगा, 40 और 5 = 45, पहले 40 में कर लीजिए, 7 × 28 = 280, और 7 × 5 = 35, और सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 8 दूसरे 11 को 1 खत्म है, 1 × 7 = 9 = 10 आ गया, 1018, ठीक है ना। अब देखिए 7 यहाँ पे देखिए, अब इसमें करना है आपको फिर से, ये सब 7 हो गए, सब 7 कैसे हो गए, 3, 5, 3, 5, 7 यहाँ पे बेटा 8 है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है 8 है यहाँ पे। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 800, अब क्वेश्चन से मत घबराइए, सारा क्वेश्चन सेम है, अब बिल्कुल मत घबराइए, 8 × 32, सारे प्रोसेस तो वही है, भले क्वेश्चन का अंक अलग हो जाए, 8 × 42, 6 × 6 = 48, 8 × 48 होता है ना, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, इसको ऐड कर लीजिए, 8, 6, 8 × 2 = 11, ठीक है 1168 कितना आ गया बेटा। अब 3 का मल्टीप्लाई जब 147 में करेंगे 300, 3 × 12 = 120, 7 × 3 = 21 ऐड कर लीजिए, 1444, 441 441 आ गया, 441 आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़िए फटाफट सबको, देखिए यहाँ पे 1000 है, 2000 है, 3000 हो गया, 3000 तो पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे भैया 3000, इसके बाद 400, 7, 3, 10, 1100, 1111, 1111, 1111, 1111, 1200, 1200, 1600, 1600 यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद इसको जोड़िए 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40 और 60, 100, 100 और 40, 140, ठीक है। अब जो अंक बचा उसको 56, 11, 11, 8, 11, 8, 19, 19 और 8, 19, 21, 27, 27, 1, 28 और 28, 8, 28, 8 कितना हो गया 28, 2, 30, 30, 6, 36, अब सबको ऐड कर लीजिए, 6, 4, 4, 3, 7, 6, 1, 7, 3, 1, 4, मतलब कि आपका आ गया 4776, 4776 आ गया बेटा, ये आ गया आपका XIFI। इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 7, 7, 14, 7, 21, 7, 21, 1, 22, 22, 3, 22, 3, 25, 25, 5, 30, 33, बस अब इसको काट दीजिए, 4, 7, 7, 6 / 33 कर लीजिए, देखिए 11 से जा रहा है क्या, 11 से नहीं जाएगा, इसको काट लेंगे जो आएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा बेटा, है ना, इसको आप काट सकते हैं, काट लीजिए 33, 1 काट लेंगे अब, इसे इसका भी आंसर कर देंगे लास्ट में, नहीं तो फिर आप 3 जो आपको दिया गया क्वेश्चन दोस्तों उसको करके ही देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही लगाते हैं हम और आराम से इसका भाग आप दे सकते हैं, चलिए दे ही देते हैं ना। देखिए पहले हम काट लेते हैं इसको 33 से जब काटेंगे तो पहले एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, फिर से यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 120, 120 आ जा रहा है, और 3 × 4 = 12 है ना,
देख रहे हो ना, चार बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चार तीन बारह को दो हाथ में आएगा, चार तीन बारह एक तेरह, 132, यहाँ पे 147 है, काट लीजिए भैया दो, तो सात में से दो गया, तीन चौके बारह चार बार गया है ना, तो आप काट लीजिए, सात में से दो गया पाँच, यहाँ पर चार में से तीन गया एक, फिर से आप सेवन यहाँ पे लिए थे कैरी, फिर से आप ले लेंगे सिक्स, अब काट लीजिए, अब आपको पता है कितनी बार जाएगा, पाँच तीन पंद्रह 150, पाँच तीन पंद्रह पाँच बार नहीं जाएगा, चार बार देखिए, चार तीन बारह को दो हाथ में एक, चार तीन बारह एक तेरह 132, अब 132 फिर से इसमें माइनस करिए, तो छः में से दो गया, छः में से दो गया आपका चार, चार पाँच में तीन गया दो, यहाँ पे बचा 24, फिर जीरो लगा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, अब इसको काटेंगे, काटिए भैया कितने बार जा रहा है, सात तरीके 21 यानी कि पाँच, सात तरीके 21 को एक हाथ में दो, सात तरीके 21 दो 23, 21 दो 23, 231 यानी कि 7, यानी कि इतना लगभग आ जाएगा, 144.7 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मज़े से चिल करते हुए मजा लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यह आपका अंत था न्यूमेरिकल का, इस तरह आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों। एक क्वेश्चन और बता दें, क्या टाइम है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ हट के है, इसको तो लगाएंगे ही आप, इतना एक क्वेश्चन अच्छा सा लिए हैं, देखिए इसको लगाते हैं हम लोग, इसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे ट्रिक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का माध्य बताइए, का माध्य बताइए बेटा। अब देखिए इसमें ट्रिक होता है बेटा, इसमें ट्रिक से बताएंगे आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रिक से, क्योंकि आपके डीएलएड में नहीं आएगा, आपके टेट वगैरह में आ सकता है, आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे सॉल्व करना सीख जाएँ, क्योंकि सीखना एक कला है, सीखिए जितना मिलता है सब कुछ सीखिए, फ्री का जब मिलता है तो, आन के दाना चाँप के खाना, पता है ना, पता है कि नहीं, सब सारी बातें, तो ये सब सारी चीज़ें करिए अपनी लाइफ में, डिजॉल्व करिए और सीखिए, अच्छे सीखिए, जो चीज़ें फ्री मिलती हैं या फिर सीखने की इच्छा जब जाहिर करेंगे आप ना, तो सारी चीज़ें हर तरफ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपान में सिक्स, यह हो गया, यह तो पूरा एडिशन आ गया, सबका एडिशन, लेकिन हमसे पूछा है कि माध्य बताइए, आप बताइए मीन बेटा क्या होगा, इसमें मीन बताने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, सब में जो नंबर है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो n के प्लेस पे 7 रख दीजिए पहले, ये एडिशन आ जाएगा, आपको पता है एडिशन कितना, 7 इंटू 7 प्लस 1 8 इंटू 7 दोनों 14 एक 15 यानी कि 15 अपान में 6, और आपको माध्य निकालना है तो अपान में 2 कर देंगे बस, इस तरह आपको पता हो गया, 7 इंटू 8 इंटू 15 6 × 12 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कि डिवाइड कर लीजिए, 4 × 8 4 × 3 = 12 3 × 1 = 15 5 × 2 = 30 7 × 3 = 21 210 5 × 3 = 15 15 × 7 = 7 × 5 = 35 एक मिनट गलत हो गया, सही काटे हैं, 7 × 8 × 15 नीचे 12 था, तो 4 × 8 4 × 3 = 12 3 × 5 = 15 5 × 9 = 10 10 × 7 = 70 होगा बेटा, 70 होगा, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इस तरह आपको लगाना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा था, हम आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताने की कोशिश करते हैं, आपका अभ्यास तो खत्म हो जाता है, और अभ्यास के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हम अभ्यास में करा देते हैं, जो आपको आगे सारे एग्जाम में आपको फायदा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप सीखते चलिए, ऑनलाइन शिक्षण आपके लिए बना है, और आपको हमेशा इसी तरह कंटेंट देता रहेगा, जब तक आप हैं तब तक चैनल है, जब तक चैनल है तब तक आपको कोई कमी नहीं होगा, है ना, किसी भी कंटेंट्स, जैसे भी कंटेंट चाहिए जिस सिलेबस का दोस्तों, हम लोग अपने आवश्यकता से ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का सामाजिक विज्ञान का भी क्लास ले लिया है, बीच में बोले थे 20 से स्टार्ट करने के लिए, 20 के बाद मेरा एग्ज़ाम भी है थोड़ा मेंस का, और कुछ एग्ज़ाम मेरे भी हैं, तो हम उसके लिए भी प्रिपेरेशन करते हैं अपना, और आप लोग के लिए भी चार्ट वगैरह तैयार करना, सारी चीज़ें हम करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ होगा आपको, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा जज्बा है तो शेयर करिए, बच्चे बढ़ जाएं तो आपका टेट वगैरह का भी क्लास लगा देंगे हम, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने साथ ख्याल रखने के साथ अपना डिवीजन भी मतलब कि पढ़ाई भी करते रहिए, और ख्याल तो मस्ट है, आपको पता है ना, ख्याल रखना चाहिए सबको, सबका मतलब सबको अपना, है ना। चलिए अच्छा है, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद दोस्तों।